अगर आप एप्पल्स इसमें रख रहे हैं तो तीनों में बराबर एप्पल्स आने चाहिए। अगर आप एप्पल्स इसमें रख रहे हैं तो दोनों में बराबर एप्पल्स आने चाहिए। तो आपको इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक टास्क या क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए, फिर हम वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है? आप देख रहे हैं एप्पल्स हैं, 123 एप्पल्स हैं हमारे पास और 482 बनानास है। अब टास्क ये है, हमारे पास दो कलर्स के बैग हैं, एक ये ब्लू कलर के 3 बैग हैं और रेड कलर के 2 बैग हैं। आपको जो भी फ्रूट रखना है, सपोज कीजिए अगर आप एप्पल्स इसमें रख रहे हैं तो तीनों में बराबर एप्पल्स आने चाहिए। अगर आप एप्पल्स इसमें रख रहे हैं तो दोनों में बराबर एप्पल्स आने चाहिए, या फिर आप बनाना इसमें रख रहे हैं ब्लू वाले में तो तीनों में बराबर बनाना हो, अगर आप बनाना रेड में रख रहे हैं तो दोनों में बराबर बनाना हो। मतलब अब आपको ये बताना है कि कौन से फ्रूट्स किस पैकेट में पूरे पूरे एडजस्ट हो पाएंगे इक्वल अमाउंट में। कैसे बताएंगे इसके लिए मैं आज आपको बताइए। अच्छा, कोई बता रहा है? बताइए, नहीं बता पा रहे हैं तो अब इधर देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट बताऊंगी। यहां पर कितने एप्पल्स है? 123। कितने बैग्स है? 3। पहले आप चेक कर ले कि 3 बैग्स में ये कैसे फिट होंगे। तो 3 से अगर ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका मतलब इक्वली डिवाइड करके इस नंबर से वो आ जाएंगे। और अगर 482 3 से डिवाइड हो जाए तो वो इस वाले बैग में आ जाएंगे, या फिर 482 अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो इस वाले बैग में आ जाएंगे, ठीक है? तो आपको इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं फर्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट से। ये एग्जांपल्स यही लिखे रहने देते, इसी को लेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब 2 से चेक करेंगे। कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होता है जब उस नंबर की यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही हो। अब आप इस 482 को पहले 2 से डिवाइड, आपसे कोई कहे चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 482 बाय 2, आप क्या करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, फिर माइनस, फिर इसको नीचे, फिर कितना लंबा टाइम लगेगा। अब आपको ये बता दिया मैंने कि यूनिट डिजिट अगर 2 है, यूनिट डिजिट इज 2, देन नंबर इज, यूनिट डिजिट इज 2 नहीं, यूनिट डिजिट इज इन द टेबल ऑफ 2, इज द मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है? इफ यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। मतलब अब आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है, अगर यूनिट डिजिट आपकी डिविजिबल है 2 से तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस में आएंगे बनानास? आपके 2 बैग्स में आएंगे, समझ गए? 123 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 क्या 2 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आई होप आप समझ गए, ठीक है? डिविजिबिलिटी बाय 2 में क्या है, अगर यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है, 2 के टेबल से कट हो रही है, ठीक है,
या फिर इवन नंबर है तो वो डिविजिबल बाय टू हो जाएगा. इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो टू से डिवाइड हो पाए. ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय टू क्या है? अगर यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय टू देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय टू. मतलब 482 टू से डिवाइड हो रहा था दो पैकेट से, तो क्या हुआ? बनाना हमारे रेड पैकेट में आएंगे. ठीक, अब देखते हैं एप्पल का क्या हुआ. तीन ब्लू पैकेट हैं, डिविजिबिलिटी बाय थ्री चेक कर लेते हैं हम. डिविजिबिलिटी बाय थ्री. थ्री की डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं? जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको, उसकी सारी डिजिट्स को ऐड करिए. 1 + 2 + 3 क्या आएगा? 3, 4, 5, 6. इफ द एडिशन ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. इसको डिवाइड करने में आपको टाइम लगता. 1 + 2 + 3 = 6. 3 × 2 = 6. यस, 6 इज डिविजिबल बाय 3. सो 123 इज डिविजिबल बाय 3. मतलब एप्पल्स आपके ब्लू बैग में आएंगे. हो गई प्रॉब्लम सॉल्व. अब 482 को देखो जरा, क्या 3 से डिविजिबल होगा? 4 + 8 क्या आएगा? 12 + 2 = 13. 14 43 की टेबल में आता है? नहीं आता है. 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये इसमें ही आएंगे और ये इसमें आएंगे, 3 बैग्स में. ठीक है, क्योंकि ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. समझ गए? अब कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी कर लोगे? आई होप आप लोग कर लेंगे. नाउ आई मूव टू डिविजिबिलिटी ऑफ 4. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4. 4 से आपको चेक करना है ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है. इतना बड़ा डिवीजन करो जरा 4 से चेक करो. कितना टाइम लगेगा? मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक के टेस्ट बता रही हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट. लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा. करके देख लेना. लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है. 7 × 4 = 28. यस इट इज डिविजिबल. ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. 3, 2, 1, 8, 2 क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रही है. नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. आई होप आप समझ गए 4 की डिविजिबिलिटी में क्या करना है. लास्ट की 2 डिजिट को देखना है, अगर वो डिवाइड हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो नहीं है डिविजिबल. क्या हुआ अभी तक? 2 में यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर हो जाएगा. 3 में सारी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी हो जाएगा. 4 में लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रही है 4 से तो पूरा नंबर भी हो जाएगा. ठीक, अब 5 पे चलते हैं. नाउ द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5. 5 से कोई नंबर कब डिवाइड, कब डिविजिबल होगा? 5 देखिए, 5 का टेबल पहले लिखते हैं. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. ठीक है, 5 के टेबल में क्या हो रहा है? यूनिट डिजिट पे 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0 ऑल्टरनेट चल रहा है. तो अगर हमारी यूनिट डिजिट 0 या 5 है, 0 और 5, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा. समझ गए? समझ गए? समझ गए? अगर यूनिट डिजिट में 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा. पूरे नंबर को डिवाइड करने की टेंशन ही नहीं. ये हो जाएगा क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे 0 है. ये हो जाएगा क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है. ये नहीं होगा क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे ना तो 0 है ना 5 है. कितना इजी है डिविजिबिलिटी टेस्ट. नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टेस्ट. नाउ सी डिविजिबिलिटी बाय 9. डिविजिबिलिटी बाय 9 इज सिमिलर टू डिविजिबिलिटी बाय 3. 3 में क्या कर रहे थे? पहले डिजिट्स का सम कर रहे थे, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा था तो पूरा नंबर भी हो जाएगा. यहां पर भी वही करना है, डिजिट्स का सम करो, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी हो जाएगा. 6, 7, 8, 9 डिवाइड हो जाएगा. यस, ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है 9 से. इसको चेक करते हैं. 9 + 0 + 5 + 4. 9 + 5 क्या होगा? 14 + 4 = 18. 18 9 से डिवाइड हो जाता है. 9 × 2 = 18. यस, ये नंबर भी डिविजिबल है 9 से. अब इसको देखते हैं. 4 + 3 + 5 + 1 + 2
9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आप समझ गए 3 और 9 में क्या करना है, डिजिट्स का सम करना है। 3 के लिए चेक कर रहे हो तो वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिविजिबल बाय 3 है। 9 के लिए चेक कर रहे हो, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिविजिबल बाय 9 है। नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 10। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 की टेबल में क्या होता है, 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सारी जगह यूनिट डिजिट में जीरो होता है। मेरे कहने का मतलब समझ गए, अगर सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसमें यूनिट डिजिट जीरो है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट डिजिट जीरो है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट डिजिट जीरो है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट डिजिट टू है, ये मत देखना मैम जीरो तो आ रहा है इस नंबर में, अरे बीच में नहीं कह रहे हैं, यूनिट डिजिट पे अगर जीरो है तब डिवाइड होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ टू है। आई होप आप समझ गए हैं। अब बारी है आज के मैथ फैक्ट की। सो टुडेज मैथ फैक्ट इज डिविजन सिंबल। डिविजन का जो सिंबल होता है वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन रेन। इजंट इट इंटरेस्टिंग। एक चीज और बताइए, आज जो आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ी उसका क्या यूज है, क्या फायदा है? उसका फायदा ये है कि आपकी लॉन्ग कैलकुलेशन बच जाती है। इट्स एडवांटेज इज दिस कि आपको पूरा लंबा नंबर, इतना बड़ा सा नंबर पूरा लॉन्ग डिवीजन करने से आपका टाइम सेव हो जाता है। आप तुरंत बता देंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। आप मेरी सीरीज के और भी वीडियोस वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय-बाय, हैप्पी लर्निंग। Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.